मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में डीजे बजाने को लेकर दलित युवक की बारात पर हुई पत्थरबाजी के आरोपियों पर प्रशासन ने बुलडोजर से कार्रवाई की। खबरों के मुताबिक प्रशासन ने करीब 48 घरों को ध्वस्त कर दिया। प्रशासन का कहना है कि ये सभी अवैध जमीन पर बने हुए थे। बता दें कि मंगलवार रात को एक दलित युवक की बारात पर एक समुदाय के कुछ लोगों ने पथराव कर दिया था, जिसमें 3 बाराती घायल हो गए थे। यह घटना राजगढ़ जिला मुख्यालय से करीब 38 किलोमीटर दूर जीरापुर कस्बे में हुई थी। जीरापुर पुलिस थाना प्रभारी ने बताया कि मंगलवार को जीरापुर में एक दलित परिवार की बेटी की शादी थी, जहां करीब रात 11 बजे सुसनेर से जीरापुर माताजी मोहल्ले में आई बारात जब एक मस्जिद के सामने से निकल रही थी, तो एक समुदाय के कुछ लड़कों ने डीजे एवं बैंड बंद कराने को कहा। इसके बाद बैंड वाले ने मस्जिद के सामने डीजे एवं बैंड बजाना बंद कर लिया और वहां से आगे बढ़ गए। लेकिन कुछ दूरी पर जाने के बाद शीतला माता मंदिर के पीछे उन्होंने डीजे एवं बैंड बजाना शुरू कर दिया और नाचने लगे। तभी एक समुदाय के कुछ लोगों ने आकर बारातियों पर पीछे से पथराव शुरू कर दिया, जिसमें 3 लोगों को चोटें आई थी। सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और दुल्हन के पिता की शिकायत पर पथराव करने वाले लोगों के विरुद्ध अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम सहित IPC की विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट IPR।